आज के प्रोड्यूसर वाले ये कहना चाहता हूँ कि देश का जो कारोबार है वो संविधान के तहत चलता है, संविधान छोड़ के कुछ नहीं चलना सकता है। तो संविधान ने पूरा देश सेक्युलर, इसका मतलब धर्मनिरपेक्ष कहा है। अभी लोगों में भेद पैदा करने का, आपस में लड़वाने का, और अभी तुम ये कर रहा है कि नागरिकत्व होता है तो कल गायकवाड भी ये देश का है कि नहीं, ऐसा तुम सवाल पैदा करेंगे। ये सवाल पैदा मत करो, जाति जाति में भेद मत करो, धर्म धर्म में भेद मत करो। पाकिस्तान चाहे धर्म के नाम पे तैयार हुआ होगा, लेकिन भारत देश धर्म के नाम पे तैयार नहीं हो गया। भारत के संविधान कहा था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, संविधान ये सेकुलर देश का। वो संविधान सभा में पंडित नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना आज़ाद थे, देश के सभी मान्यवर नेता वो संविधान सभा में थे, उनका संविधान के ऊपर सिग्नेचर है। देश संविधान के तहत चलेगा, देश मोदी और अमित शाह के मनमानी नहीं चलेगा। नहीं, मैं समझती हूँ कि लोगों को बांटना, एकता को, अखंडता को भेद करना और जिस तरह से वातावरण बनाया जा रहा है, ये किसी तरह से सही वातावरण सही नहीं है। इस देश को चलाने के लिए एक संघ रखना बहुत जरूरी है और देश को संविधान के थ्रू ही देश चलना चाहिए, ये हमारी मांग है। भारत की जो संविधान है वो धर्म निरपेक्षता में है और भारत की एकता और अखंडता उसी में है। हमारे जो संविधान के ऊपर हम चलते हैं, वह संविधान को तोड़कर अगर कोई पार्टी भारत को चलाना पाते हैं तो वो कभी देश सहन नहीं करेगा, देश की जनता सहन नहीं करेगी, क्यों हमारी एकता और अखंडता वो धर्म निरपेक्षता में है। इसके लिए हमारा देश अब स्वतंत्र है और देश की प्रगति हो रही है। आज पिछले 6 साल में इनकी सरकार जब से आई है तो लोगों को तकलीफ देने का काम ही इन्होंने किया है। अभी जो भारतवर्ष के लोगों को तकलीफ दे के थक गए, तो बाहर से आए हुए जो 2 लोग हैं, 2 लाख लोग हैं, उनको तकलीफ़ दे के बाहर निकालना या देश का विभाजन करना, धार्मिकते की तेड़ बढ़ाना, ये तो हमेशा बीजेपी का कार्यक्रम ही चला है। इतने साल से बीजेपी जो अपना राज चलाती है, अपना पार्टी चलाती है, वो कभी राम का नाम लेंगे, कभी और किसी का नाम लेंगे, कभी नोटबंदी करेंगे, कभी देश की एकता और अखंडता को बिगाड़ देंगे और देश की सुरक्षिता करने में नहीं है। आज देश की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई है, उसके बारे में बोलना नहीं चाहते हैं। आज बेरोजगारी इतने बढ़ रही है, उसके बारे में ये बोलना नहीं चाहते हैं। आज जितने कारखाने बंद पड़े हैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहते हैं। आज महिलाओं के ऊपर इतने अत्याचार होते हैं उसके बारे में यह बोलना नहीं चाहते हैं। यह खाली एक दिखावा करने का, यह आज देश की जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गया है उसको, आर्थिक मंदी को आगे नहीं दिखना चाहिए, लोगों के साथ में चर्चा नहीं होनी चाहिए करके यह ऐसे सारे बिल लाते हैं। और यह बिल लाके देश का एक अलग, लोगों का यह जो ध्यान है वो अलग तरीके से अपना ध्यान हटाना का चाहते हैं। देखिए, प्रोटेस्ट तो ये एक सारे कांग्रेसियों ने मिल के अपने एक दिल की आवाज़ बताई है। भारत को स्वतंत्रता दिलाई है, भारत के अंदर किसी भी धर्म को पूरा सम्मान देते हुए स्वतंत्रता दिलाई है। अब उसके अंदर ये जिस तरीके से एक धर्म को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, आज का जोश आपने कार्यकर्ताओं को देख लिया है, वो हम होने नहीं देंगे। और उसके लिए आज सब अचानक सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे और ये पूरे देश के अंदर ये मंजर रहेगा, आप ये देखेंगे। देश एक रहेगा, सब लोग एक रहेंगे और किसी धर्म के संग भी इस प्रकार का अन्याय देश सहन नहीं करेगा, नहीं करेगा। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय गायकवाड़ साहब के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बहुत ही गैर अहम, गैर ज़रूरी भी NRC का बिल लाया गया है, उसके विरोध में महाराष्ट्र प्रदेश और कांग्रेस कमेटी की तरफ से, मुंबई कांग्रेस की तरफ से आज ये आंदोलन रखा गया। ये शुरुआत है, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि हम जिला वार्ड लेवल पर इस मामले को रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है सिर्फ और सिर्फ
नफरत का माहौल पैदा करने का काम कर रही है। देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है, अराजकता बहुत ज़्यादा है, माँ बहनों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, उस तरफ इनका ध्यान नहीं जाता। गरीबी एकदम चरम सीमा पर है। आज आप देख रहे हैं आप कि 150-200 रुपए किलो प्याज जो बिकती है, इन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए ये NRC का मामला लाया गया है। शायद आज राज्यसभा में उसको मान्यता नहीं मिलेगी कोई, बाई दवे अगर मान्यता मिली भी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में इसको रद्द किया जाएगा। ये बहुत ही गलत कदम उठा रहा है मोदी ने, BJP ने। हम जितना भी इसका निंदा करें कम है। ये सच है, जब से सरकारी आई है निहायती इसने, मुझे ऐसा लगता नहीं कि इन दिनों के अंदर कोई अच्छा काम किया हो। कभी इंसानियत के खिलाफ तो कभी कारोबार के खिलाफ, यानी हर तरीके से कमर लोगों को तोड़ दिया है। हम इसके ख़िलाफ़ हैं और कांग्रेस पार्टी इसके ख़िलाफ़ है। किसी भी हद तक हमें गुजरना होगा, हमें रोड पे धरना प्रदर्शन जो भी करना होगा हम करेंगे, मगर इंसानियत के खिलाफ जो लोग हैं हम उनकी लड़ाई ज़रूर लड़ेंगे। ये प्रोसेस तो शुरुआत है, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि जो काम एक अंग्रेज़ों ने 1947 में किया था भारत को विभाजन का, आज उनके ही वफादार जो उस जमाने में स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए उनके खबरी का काम करते थे, ये दूसरे विभाजन की कोशिश में है। ये इतना बड़ा इशू है ही नहीं जैसा इन्होंने बताया। 2 लाख लोग, 125 करोड़ लोगों में अगर 2 लाख लोग हैं तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन चूंकि ये अपने फेलियर को छुपाने के लिए नए नए बहाने ढूंढते हैं और ये धर्म की, राष्ट्रवाद की भांग पिलाते हैं, नशा कराते हैं कि बस आप इसमें बैठे रहो, बाकी आप आर्थिक मंदी की बात मत करो, आप अत्याचार की बात मत करो, आप भ्रष्टाचार की बात मत करो, आप जो महिलाओं पे बलात्कार हो रहा है उस पर बात मत करो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात रेडियो से करते हैं, अरे किसी दिन आप महिलाओं के बारे में, बच्चों के बारे में, नौजवानों के बारे में तो करो। वो बात नहीं कर पाते हैं, उनके पास कोई आर्थिक इलाज है ही नहीं, उनको छुपाने के लिए ऐसे ऐसे ड्रामा करते हैं। इस ड्रामा से अब हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है और धीरे धीरे ये रंग उतर जाएगा। NRC के बारे में सभी जानते हैं, पूरा देश में जो इन लोगों ने हाहाकार मचा दिया, ये BJP गवर्नमेंट और जो मनमानी जो कर रहा है देश के ऊपर, जो जुल्म अत्याचार कर रहा है, ये कदापि इस देश का जनता उनको माफ़ कभी नहीं करेगी।